तमाम एजुकेशन के मुतल्लिक अपडेट के लिए पाक एजुकेशन CH को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो स्पेशली फोटोग्राफी का शौक रखते हैं या मुख्तलिफ क्लिप्स वगैरह जो है वो शूट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ग्रीन यूथ मूवमेंट फोटोग्राफी एक कॉन्टेस्ट जो है ये आ गया है, जिसमें स्टूडेंट्स मुख्तलिफ मूवमेंट्स की जो है वो पिक्चर्स वगैरह अपलोड करेंगे और इसके बाद आपको जो है वो प्राइस दिया जाएगा। इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें यंग पीपल एज हैं जो कि जिनकी एज 15 से 22 ईयर्स है, और दूसरी कैटेगरी 2 है जिसमें 23 से 29 ईयर्स के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं पीपल। तो इसमें यानी कि कोई ये मेंशन नहीं है कि स्टूडेंट होना चाहिए, इस तरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितने भी शौक रखते हैं तो इसमें आपको कैश प्राइस दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट थ्री में आते हैं फर्स्ट प्राइस जो है वो 2 लाख रुपया है, सेकंड प्राइस 1.5 लाख है, थर्ड प्राइस 1 लाख है। तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करेंगे, और ये पिक्चर्स जो है इस तरह होनी चाहिए कि आपने खुद रिकॉर्ड की हो, आपने खुद एक पिक्चर जो है ये ग्रीन जो है वो यूथ मूवमेंट फोटोग्राफी आपकी होनी चाहिए, यानी कि ये जो सामने उन्होंने सजेशन दी हुई है तो इस तरह के कुछ मूवमेंट जो है वो आपने कैप्चर्स वगैरह किए होने चाहिए। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmyd.gov.pk, प्राइम मिनिस्टर यूथ पावर .gov.pk। यहाँ पे आप जो है वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस पे आए तो यहाँ पे आपको क्लिक है टू अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने कुछ अपने टर्म्स एंड रेफरेंस वगैरह रखे हुए हैं, जिसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है वो फ्लड, ड्राफ्ट, हीट वेव्स, ग्लाकिकल लेक और उसके बाद आउटबर्स्ट, फ्लड और ग्लोब, इस तरह की कोई भी पिक्चर्स वगैरह जो है ये आपने लास्ट 6 मंथ के अंदर आपने पिक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड की होनी चाहिए। उसके बाद इसमें जो है वो आपने इसको 25 तक आपने 11-12 बजे तक आपने जो है वो अपलोड करनी है, और सिंपली आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है, और आपकी पिक्चर का साइज जो है वो लार्जर देन 10 MB से नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपकी जो पिक्चर्स होगी ये इसके ऑनर आप खुद हों, यानी कि आपने खुद इसको जो है वो एक पिक्चर्स को कैप्चर किया हो। और उसके बाद HEC का कुछ रिक्वायरमेंट्स ये भी हैं कि कोई इसमें मिसलीडिंग या फॉल्स या कोई अब्यूज या हरासिंग इस तरह की कोई पिक्चर्स वगैरह अपलोड ना करें, तो HEC ये होगी ये अपना ऑटोमेटिकली आपके जो पिक्चर्स को रिमूव वगैरह कर देगी। उसके बाद इसमें जो है वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और एनवायरमेंटल, ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आपने सिंपली अप्लाई करने के लिए आपने आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास जब फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म पे आपने अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर सिलेक्ट करनी है, फिर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, ईमेल एड्रेस लिखना है, सिटी, प्रोविंस, स्टूडेंट जो है वो इनरोल्ड है कि नहीं, उसके बाद आप जिम के मेंबर हैं या नहीं ये आपने अपलोड करनी है, फिर आपने अपनी पर्सनल पिक्चर अपलोड करनी है, कंपटीशन के लिए आपने जो पिक्चर्स देना चाह रहे हैं वो आपने अपलोड करनी है, फिर आपने अपना CNIC फ्रंट साइज से आपने अपलोड करनी है पिक्चर, और CNIC की जो है वो बैक आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने सिंपली इसको सबमिट कर देना है और आपका इसमें सिंपली अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद इनकी एवेल्यूशन होगी, और लास्ट में इन जब ये प्राइस वगैरह शो करेंगे तो उसके बाद अगर आप किसी जो है वो किसी भी अगर आप कैटेगरी में आते हैं और आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जो है वो आते हैं किसी भी पोजीशन पे, तो सिंपली आपको प्राइस वगैरह इसी के हिसाब से मिल जाएगा। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।